कई कहणगे अच्छा फिर 25 जपजी साहब कर लिए पांच बाणियां फिर रहण दिए। मैं कहा ना, पांच बाणियां दा साडा मूल दरवाजा है सारयां दा। जिवें इत्थे गेट लग्या होवे ना, गेट ते तां एंट्रस है जिहड़ी, इह पांच बाणियां तां साडा दरवाजा। मैं जदों संतां दी संगत करदा बड़िआं दी, तां उहनां विचों बाबा हरनाम सिंह जी रामपुर खेड़े वालिआं दी संगत करदे सी, तां किसे ने उहनां नूं प्रश्न कीता, बाबा जी सुखमनी साहब का पाठ तड़के पहला कर लिया करिए। बाबा जी का जिहड़ा जवाब हुंदा ब्रह्म ज्ञानी का बड़ा ठोस हुंदा, कहे ना पहला पंज बाणियां फिर सुखमनी साहब, फिर जिहड़ी मर्जी बाणी पहला पंज बाणियां। हुण भी कई पुछदे ने ब्रह्म कवच पहला कर लिया करिए जां पहला आ कर लिया करिए। नहीं, मैं कहा पंज बाणियां नूं पहल दित्ती जा, उत्थे इह गिणती होणी थोड़ी। पंज बाणियां रह रास संपूर्ण जो आप पढ़ते उरों की मर्यादा च, ते 16 साहब के शब्द चार पहले शब्द, वो हौली हौली पता की हुंदा आपां छड्डी जांदे आ हौली हौली, चल इह नाल तां की फर्क पैंदा। तुहानूं यही नहीं पता भी एक शब्द विच किन्नी ताकत है। किसी महापुरख दे मैं जीवन नूं पढ़ रहा सी, बहुत उच्च कोटी दे होए आ उहो, उहदे च हुण बचन पढ़ते पढ़ते सामने आ जांदी गल, पहरा किवें लगदा। पहरा जदों आपां उह शब्द पढ़ने हैं साडे दुआले पहरा किवें हुंदा, उह कहिंदे गुर का शब्द रखवारे, जदों आपां कहिंदे सोठ महला पंजवां, गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा जम लज जाए कर भागा। जां फिर इस तरह ही ताती बाओ न लगई पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारा राम कार दुख लगै ना पाई। ये हुण एक शब्द महंगे ने जिहड़े ज्ञानियां नूं कराउने असीं, आम जे संगी कोई होवे पढ़िया लिखिया हुण उह थोड़ा औखा लगदा भी, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, धन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत वछला नाथ नाथे शरण नानक पुरख अचुत्ता है। पटियाले होती मैदान के गुरद्वारे च हुण बाबा जी चढ़ाई कर गए, वह बहुत बिरध सीगे, बहुत बजुर्ग सीगे। मैं कहा तुसी बाबा जी, कहने मैं बाबा करम सिंह होती मैदान वाले के दर्शन किए हुए छोटे होंदे ने। कहने उन्हें मैंने एक गल कही सी जदों भी बाबा जी तुसी हुण जाना कोई उपदेश कर जो, कहने पुत पूरी जिंदगी ये दो पंक्तियां ना छड़ी, श्लोक जिहड़ा ये श्लोक उत्ते लिखिया नहीं होया वैसे सहस्कृति दे विच, कहने ये हरेक गृहस्थी नूं पढ़ना चाहिए, तुसी भी कंठ कर लो दो पंक्तियां ही आ, घोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्र्यंग महाविख्यादंग मिटंत सकल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक कास्ट पसमंग क्रोध है, दो पंक्तियां बारे हुण इहनूं विस्थार विच लै जाइए तां घोर दुखियंग, घोर दुख चिंबड़े हुए जिहनूं इन्ने भयानक दुख ने, कई लोगों नूं कहने इहे दुख ने दस नहीं सकते, इन्ने दुख चिंबड़े हुए ना, क्योंकि साडा तां संगत नाल ही रोज़ मेल मिलाप रहिंदा। घोर दुखियंग अनक हत्यंग, बहुत हत्या कीतियां होईयां, पापी हाँ मैं तां पापी, कोर दुखियंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्र्यंग, बचपन तो गरीबी तो लैके दलिद्र पिया होया घर दे विच, गरीबी ही गरीबी है, ऊं भी दलिद्री आलसी बनिया फिरदा, कोई बहुत नुकसान है घर दे विच, माया है ही नहीं। कहिंदे फिर होर कोई दुख, कहिंदे फिर बड़े बड़े झगड़े मेरे गल पए ने, मुकदमे इन्ने ने मेरे सिर ते, मेरे कोल भी कई मिलदे, कहिंदे सत्त तां मुकदमे चलदे, कोई कहिंदा मेरे ते 15 मुकदमे चलदे, घोर दुखंग अनक हत्यंग जन्म दारिद्र्यंग महाविख्यादंग, विख्यादंग हुंदा झगड़े खड़े हो जाने, बड़ा औखा काम होया बई, बीमार भी है, कई हत्यावां भी हो गईयां, जन्म दा दलिद्री गरीबी है, झगड़े इन्ने खड़े होए पए ने, मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक, हरी दा नाम परमेश्वर दा नाम सिमरन करने करके
देखो चाहे अज कुछ भी करी जावे कोई क्योंकि तुसी हर साल सुन लैंदे हो, सुन के हाथ झाड़ के चले जाने हो, तो उन्हें देखो गुरमुखो फिर अगला जन्म लेना पैना। हमने गल मान लो बहुत कुछ खा पी लिया, हंडा लिया, देख लिया, पर नाम सिमर नहीं किया। महाराज जी कहते हैं तुसी लोग अपनी तुच्छ बुद्धि नाल सोचते हो, तुच्छ बुद्धि करके सोचन करके जो गुरु साहब कहते हैं उन्होंने भला नहीं मानते हो, कहते नहीं महाराज ने गलत लिखिया असी ठीक हैं। पर सतगुरु महाराज कहते कलयुग का प्रभाव माड़ा पैण करके ये संसार के लोग समझते नहीं है कि जो बख्शिश असी दित्तियां बहुत सारे लोग माता जी की फोटो बहुत वंडी असी वो फोटो ला लो, सवेरे उठ के दर्शन कर लिया करो, महाराज जी दे भी माता जी दे भी नमस्कार कर लिया करो, उन्होंने याद कर लिया करो। एक गल याद रख, उदाहरण है मैं दे रहा, राष्ट्रपति का अपना थां है पर करते जो काम करते ने बहुत घट, पर जो प्रधानमंत्री है उसकी अपनी ताकत है। जो साढ़े माता साहिब कौर जी ने यह तिना लोगों के प्रधानमंत्री ने, कम सारा इन्हों सपुरदा, थोड़े काम अड़ते ने कुछ भी होंगे महाराज अगर बेनती करो, माता जी ने ही सारे काम करने होंगे ने, क्यों सतगुरु जी तो विराजमान ने आनंदमयी अवस्था में कम जिन्ना भी ब्रह्मंडा का सृष्टि का चलता है जिन्हें शहीद सिंह ने माता जी के अधीन ने सारे माता जी ने काम कराने। माता जी कहते कलगीधर महाराज जी तो सुन समाधि आप विच ही हमेशा रहते हैं, पर जिहड़ा माता जी का काम है वह करंटड है बहुत ज्यादा, बस जदों हुण कहा नहीं तो किया नहीं, बस माता जी की स्पीड बहुत है, सारे पक्ष में ध्यान देना व्यापक रूप में हो के कार्य करने, ताइयों कही दा कि उन्होंने चरणों च बेनती करो कि माता जी आ काम अड़ गया, क्यों आप सीधा जे महाराज नूं बेनती करते हैं सीधी बेनती नूं हले टाइम लग जाता, पर जे माता जी कह देण माड़ा जिहा भी महाराज जी चलो कर दिओ बच्चे है तुहाडे, फिर महाराज जी मान लैंदे हैं क्योंकि माता जी की सेवा उन्हां दी कमाई बहुत ज्यादा है। इस करके शहीद सिंघां ने अपने शीस दिते हुए ने, शहीद सिंह तो सीधे ही कह देंदे महाराज जी आ काम आपने करना है, महाराज उन्होंने नहीं कहते अगर नहीं करना, कहते सत बचन जी कर दो भई, इन्हें साड़िया फौजा ने कहा थोड़ा जहा ध्यान रखो निशान साहब की सेवा कर लिया करो, निशान साहब के कोल ही खड़े होंगे ने, जिथे जोत लगी होंगी है उत्थे फौजा खड़िया होंगे ने, आ दुख निवारण साहब की परिक्रमा भरी हुई सारी अंदर तक फौजा खड़िया नहीं दिखदियां तो थोड़ा कसूर है, कोई थां है जिथे नहीं खड़े हो, इस करके जदों आपसी भावना कर लाँगे तो वाडा काम कर देंगे, जे भावना छड़ देंगे, आज बहुत सारे लोग कहते होंगे ही नहीं भावना खत्म करती फिर वो काम नहीं बनते, इस करके भावना है जदों भी भावना रखनी है निम नीवे होके चलो, निम्रता सहित होके रहो, हंकार का त्याग करो, गुरां दे अगे बेनती करो आके पहला तो, फिर जाके निशान साहब को भी अपनी बेनती करो, फिर जोत को भी बेनती करो, मेरे सिद्धो सिंह मेहर करो साढ़े कार्य तुम करने। महाराज जी कहते भी छोटे छोटे काम ना सानू कहा करो, ये थले थले वाले ही कर देंगे, कोई बहुत वड्डा कार्य हो जाए भी जमन मरना कटना जी का उत्थे सतगुरु महाराज फिर कृपा करते हैं, बहुत मिन्नत तरले करा के महाराज चलो यदा कट दौ जी, बहुत बेचारा सेवा करता, वड्डी चीज है प्रभ कै सिमन गर्भ ना मसै, प्रभ कै सिमन दुख जम नसै, प्रभ कै सिमन काल पर हरै, प्रभ कै सिमन दुश्मन तरै, ये वड्डियां चीजा ये ने। माता दे उदर विच दुबारा ना आईए, आ सेवा करन आईए, एवें बजे रुझे जे ना आईए, जिवें जेल दे विच कैदी जांदे वो होर चीज़ है, जेल दे विच अफसर जांदा वो होर चीज़ है, मंत्री जांदा वो होर चीज़ है, जेल दे विच डाक्टर जांदा वो उहदा सत्कार वक्खरा, पर कैदियां नूं कोटी पैंदी रहिंदी है, इस करके एक कैद हो के ना आईए दुनिया च, जद आईए
जन्म मरण दोहों मैं नाही, जन पर उपकारी आए। साढ़े सिर थक जाते समझाद्या थोनों समझ नहीं पैंदी है भी ये करना की। जपजी साहब पंज बाणिया के शुरू च आनंद साहब बाद दे विच बचाले जाप साहब सवैये ते चौपी साहब इहना कोई मतलब है नहीं तो महाराज जपजी साहब आनंद साहब पहले ही पढ़ के बाद तिन रखन दे बाणिया समझन की गल कोशिश करो समझन की बई रब जाने भी इन्नी श्रद्धा आई क्यों नहीं मानते अंदर किसी ने हौली हौली तीन बाणिया तो घटाता उन्होंने और फायदा नहीं होना। महाराज सच्चे पातशाह कहते जो असी मर्यादा बनाई पहला भी बेनती की पहले पातशाह तो लैके पंजवें फिर छेवें पातशाह ने श्री अकाल तख्त साहब की रचना करके जो मर्यादावान बनाई सत्तवें अठवें नौवें पातशाह तो अगे दसवें पातशाह ने मर्यादावान 1708 के जो मर्यादा बख्शिश करती अगे जथेदार साहब श्री अकाल तख्त साहब जो बनते रहे अकाली फूला सिंह जी जहेदार जी ब्रह्म ज्ञानी महापुरख कितने महापुरख अगे बाबा दीप सिंह जी तख्त श्री दमदमा साहब भाई मनी सिंह जी ये सारे जने जथेदारियाँ इन्होंने को रही मर्यादा मनी नहीं उन्होंने छेवें पातशाह दसवें की जी मर्यादा सी कमाई ये जो बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आई भी ये तो हुण बड़ी सख्त है जी असी तां बाणियां घटाईयां अजक लोग फिर इन्नियां पढ़ते नहीं है ना टीवी चैनल घटा दो तो जे बाले थोड़ा आते टीवी चैनल लोग तीन देखते चार देखते पांच देखते फिल्म से तीन घंटे लाए आते इस करके बहुत सारी दुनिया जी महाराज की मर्यादा देखते हुए फिर बदलती ये हुण जिहड़े नवे ने सारे किसी नूं नहीं पता 1932 के मर्यादा जिहड़ी सी 25 दे विच 32 तक यह 1900 लैके ये जो महाराज ने बनाई सी जिहनूं तां असीं मानदे हां वो तो 32 तो पहलां दी ये फिर अपनियां अपनियां कोलों बना लईआं कहिंदे जी चलो फिर दुनिया जुड़ी रहूगी जिवें संत महापुरख बाबा करतार सिंह जी खालसा ये बॉम्बे असी अमर संचार सीगा 76 की गल है वो एक संत सिंह हुंदा सी टैक्सी वाला लैके जा रहा बाबा जी नूं गड्डी विच असी बैठे थे संत सिंह कहिंदा बाबा जी असी सुनिया भी अज भी 500 बंदा अमर छक रहा कहिंदे मैं एक तुहानूं गल दसा 5000 बंदा अमर छक लै सी एक गल मान लो कि कहिंदे मीट की आग्या दे दिओ 5000 बंदा छक लै सी अमृत संत कहिंदे फिर शराब की भी आग्या दे दिंदे फिर 10000 फिर तो 50000 ही आ जाओ और कहिंदे तेरे अर्गे असीं बड़े देखे सिख डोबना बेड़ा पंथ का एवं अपने कोलों ही नवीं गल सुना मारदा